उधम सिंह नगर जनपद के पुलिस के द्वारा आगामी 25 दिसंबर क्रिसमस 31 के साथ ही नए साल को देखते हुए नैनीताल जाने वाले टूरिस्ट के लिए पुलिस के द्वारा डायवर्सन किया गया है, और जिसके लिए जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को देखते हुए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें देहरादून या उस रास्ते नैनीताल जाने वाले यात्रियों के लिए उन्होंने यातायात व्यवस्था को देखते हुए रोडमैप तैयार किया है, जिसमें उनको नैनीताल जाने के लिए रामनगर होते हुए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बरेली लखनऊ या फिर उस रास्ते से आने वाले लोगों को किच्छा पंतनगर लालकुआ होते हुए नैनीताल भेजा जाएगा। उन यात्रियों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। उन्होंने कहा कि जो भी 31 और नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग मचाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा तैयारी की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश रहता है 25 से 1 के बीच में काशीपुर साइड में, तो इसलिए काशीपुर से होते हुए जो भी गाड़ियां रामनगर जाएंगे या हल्द्वानी जाएंगी वो वया बाजपुर होते हुए या दुराहा बरहेनी होते हुए कालाडूंगी होते ही जाएंगी। काशीपुर टोटल ही बैन रहेगा। काशीपुर साइड से किसी भी प्रकार का बाहरी गाड़ियाँ, मतलब मात्र काशीपुर और उधम सिंह नगर की गाड़ियाँ ही एंट्री मार सकते हैं टूवर्ड्स रामनगर, और कोई भी गाड़ी काशीपुर में अलाउड नहीं है।